नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। 15 मार्च है और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में उत्साह का माहौल है, त्यौहार का माहौल है, क्योंकि आज भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे है और पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस बर्थडे को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमान के तौर पर भोजपुरी की सुपर स्टार एक्ट्रेस यामिनी सिंह जी जुड़ रहे हैं। ये जानते हैं कि आज ये किस तरह से बधाइयाँ दे रही हैं और क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है पटना में, जिसे लेकर ये हमारे साथ साझा करेंगी। सबसे पहले बहुत आपका थैंक यू सो मच। मनचाहा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यामिनी सिंह का सादर प्रणाम। और खेसारी सर, आपको जन्म की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपको खूब खुशियां दे, आपके घर में, आपकी जीवन में बरकत हो। और आपको सबसे पहले जो ज़िंदगी में हर इंसान के बहुत ज़रूरी होता है, वो है सुकून। आपकी ज़िंदगी सुकून से भरी रहे और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, बस यही आपके लिए दुआ करती रहूँगी हमेशा मैं। कौन सा स्पेशल गिफ्ट है जो आप आज उनके जन्मदिन पर देना चाहेंगे? कॉपी कलम दे रहे हम लोग खेसारी सर को। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो जो इंसान खुद ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ, ईश्वर हम लोग के लिए खुद खेसारी सर हमारी ज़िंदगी में एक गिफ्ट की तरह है, तो हम तोहफे को तोहफा कैसे दे सकते हैं? उनके लिए कोई तोहफा आई डोंट थिंक कि बना हुआ है जो उनको दिया जा सके। हम ज़्यादा से ज़्यादा हीरा सोना यही सब चीज़ देख सकते हैं। तो हम लोग उनको क्या मतलब हीरा सोना जो भी दोगे आप, वो सब चीज़ें खेसारी सर के सामने छोटी हैं। हम बस खेसारी सर को दुआ देंगे और हमेशा ये वादा देंगे। हम आज के दिन में मैं उनको वादा देती हूँ कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, इंडस्ट्री में चाहे कुछ भी हो जाए, वो चाहे कितने भी गलत हों, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ बिल्कुल जो कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आज होने वाले कार्यक्रम की कुछ आपके पास अपडेट आई है कि क्या क्या प्रोग्राम होने होंगे, क्या क्या जीचे होंगी जो फैंस के बीच होगा, उनके चाहने वालों के बीच होगा, कुछ थोड़ा बहुत अपडेट? ये तो आपको सही तरीके से अखिलेश भैया बता पाएंगे, विकास सर बता पाएंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मुझे ये पता है कॉपी किताबें बांटने वाले हैं, अच्छा पुण्य वाला काम करने वाले हैं, जो शायद सबको करना चाहिए। अच्छी बात है, बड़े स्टार हैं, दो चार गरीबों में दुआ मिलेगी। देखा, हमने कहा ना, हम दुआ दिलवा रहे हैं सर को। यस जी जी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा उनकी फिल्मों की। फिल्म आती है बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही फरिश्ता। हाँ। अब संघर्ष 2 की भी बारी है धमाका करने के लिए। फरिश्ता आपने देखा या नहीं देखा? अरे मैं अब पटना आई हूँ, आज मैं जाकर के फरिश्ते देखूँगी, प्लीज़ मुझे देखना है, क्योंकि मुंबई में था बट मुंबई में बहुत दूर, मतलब गिने चुने थिएटर्स में था और बहुत दूर था, मेरा घर अंधेरी साइड पे, तो वहाँ से बहुत दूर था, 1.5 घंटा 2 घंटे दूरी पे, तो नहीं जा पाई मैं वहाँ पर। और लखनऊ साइड में लगी नहीं है, मैं कल ही लखनऊ आई, बट आज मैं पटना आई हूँ, तो मैं इसका लुफ्त उठाऊँगी, मैं जाके देखूँगी फरिश्ते। और मुझे जेन्युइनली देखना है, क्योंकि उसका ट्रेलर इतना अच्छा था और रिस्पॉन्स इतना बढ़िया आ रहा है, और मैं एक दफ़ा फिल्म देखूँगी तो मैं ज़रूर लोगों को बताऊँगी कि वो फिल्म कैसी है, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब बताऊँगी मैं। और रही बात संघर्ष 2 की, तो वो भी कमाल की फिल्म है। और ऐसे सर से बस यही उम्मीद है, सर से यही कहना है कि सर आप ही हैं जो अब इस इंडस्ट्री में अच्छी फिल्मों का निर्माण कर सकते हैं, अच्छी फिल्में बना सकते हैं। और हर कलाकार, जो कलाकार है, उन सब की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आप अच्छा करिए, हम सब अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले अगर 2-3 सालों के भोजपुरी के ग्राफ को देखिए तो फिल्में काफ़ी बदली है, कॉन्सेप्ट और कंटेंट बिल्कुल ही जो यंगस्टर हैं उनको देखने लायक बनाई जाने लगी है, फैमिली को खींचा जाने लगा है। तो एक एक्ट्रेस के तौर पे इस पॉजिटिव चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं कि जिस बदलाव की ओर भोजपुरी है, आने वाले सालों में और भी बदलाव होगा और हमें बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगी? अच्छी बात है, बीइंग एन एक्ट्रेस ही नहीं, आर्टिस्ट के तौर पर मैं बताऊँगी कि अच्छा लगता है ये सब चेंजेस देख करके, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जैसे कन्नड़ हो गए, तेलुगू हो गई, बहुत नॉर्मल जो इंडस्ट्रीज थी वो आज उभर के आ रही है। पंजाबी भी रीजनल ही है पर आज उसका एक स्तर है, एक जगह है, तो हम भी चाहते हैं कि भोजपुरी, और जबकि देखा जाए तो भोजपुरी की ऑडियंस किसी भी ऑडियंस से ज़्यादा है, किसी भी रीजनल लैंग्वेज से ज़्यादा हमारे पास ऑडियंस का नंबर है, तो हमारी है ऑडियंस यूपी बिहार के लोग हैं, जो अगर चले जाएं एक दफ़ा में एक फिल्म देखने तो सुपर हिट बना सकते हैं। तो हमारी लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए देखिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ हीरो भी कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को मेहनत करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ख़राब भी हैं हमारी इंडस्ट्री में,
अच्छा होता है तो बुराई भी होती ही है। तो वो सब लोगों को मैं तो यही बोलूँगी कि हमारी इंडस्ट्री वालों को ना थोड़ा सा आप एक मोटो रखिए कि हमें अपनी इंडस्ट्री बड़ी करनी है, नो मैटर कि कौन कैसा है क्या है, ये सब परपंच नहीं करना है, हमें अच्छी फिल्म बनानी है। जब आप ये सोच के एक फिल्म बनाओगे कि हमें एक अच्छी फिल्म बनानी है, तो आप कभी गलत काम नहीं कर सकते, आप कभी खराब काम नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा लगता है एक आर्टिस्ट के तौर पे, क्योंकि अब हम भी यहाँ पे बैठे हैं तो हम भी चाहते हैं ना कि बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी हम सीना चौड़ करके कह पाए, और अब कह भी सक रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये कुछ पिछले कुछ फिल्मों की वजह से, ख़ासकर फरिश्ते, संघर्ष टू, गॉडफादर और इन सारी फिल्मों की वजह से अब ये कहा जा सकता है कि हाँ, अब मतलब प्राउडली हम बोल सकते हैं कि हम भोजपुरी से बिलोंग करते हैं। होली के बाद का जो सीज़न है शुरू हो गया है, लोग डीजे की बीट भी बढ़ा कर तैयार हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही लोकगीतों का दौर आता है तो हिट मशीन के गानों का इंतज़ार होता है। कुछ जानकारियाँ हमारे दर्शकों को कि कौन सा गाना जल्दी आने वाला है, या फिर आपका है, या फिर आने वाला है, जो धमाल मचाना शुरू कर देगा। मुझे तो ऐसे आज सच कोई आइडिया नहीं है सर का, सर के साथ गानों का। मेरे साथ शायद एक ही गाना है, तो वो गाना कब रिलीज़ होगा आई हैव नो आइडिया। पर हाँ, वो हिट मशीन, आपने खुद ही बोला, वो कोई भी गाना करे, वो कैसा भी गाना हो, वो कुछ ना भी गाएं, सिर्फ खांस के डाल दे, तो भी मुझे लगता है कि वो हिट होना ही है, ट्रेंडिंग में आना ही है। बिकॉज़ यही है उनका मतलब, ये तोहफा है, हर किसी को नहीं मिलता है, उन्हें मिला है तो उनको आप मतलब आप बहुत खुशनसीब हैं सर, मालूम है आपने बहुत मेहनत भी की है इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ को हमेशा संभाल के रखिएगा। बस जाते जाते आज इस स्पेशल डे को दर्शकों के साथ क्या साझा करना चाहेंगे? बस आज 15 मार्च है, और बस यही कहूँगी कि आज मेरे दिल के करीब बहुत, मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखने वाले मेरे दिल के सबसे करीब इंसान का जन्मदिन है, और आज उनका ख़ास दिन है जो हमारे लिए ख़ास है। तो बस ईश्वर से यही हमेशा प्रार्थना रहेगी मेरी, और रहती भी है, हमेशा हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि मैं जब भी यूनिवर्स एफर्मेशन करती हूँ तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि खेसारी सर को आपने हमेशा अच्छा रखा, खेसारी सर की लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू यूनिवर्स। ये चीज़ हमेशा मैं कहती हूँ और मैं हमेशा कहती आऊँगी, क्योंकि मैं आपकी वेलविशर भी हूँ और एक फ़ैन भी हूँ। सो हैप्पी बर्थडे सर, मे गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपकी खुशी जहाँ पे भी हो आप वो हर चीज़ करिए। बस थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यामिनी सिंह जी थी। बर्थडे की तैयारियां शुरू हो गई है, बिहार में उत्सव का माहौल शुरू हो गया है। अब थोड़ी देर में एक एक चीज़ें हम आपको जहां जहां जाएंगे वहां की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, और इस विशेष पल को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।